नाजिन अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर नसुल्ला राना, राना ईएनटी सेंटर जेल रोड में मेरा यह हॉस्पिटल है जहाँ से मैं आपसे मुखातब। ये कनेड कॉलेज बरेसगीर का सबसे मशहूर लड़कियों का कॉलेज है। यहाँ पर बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली से बच्चियाँ आके पढ़ती थीं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, वहाँ भी वो भी एक पूरे सब कॉन्टिनेंट लेवल का इंस्टीट्यूशन। ये बताना ये था कि एक अच्छी जगह है जहाँ पर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मेरा ये हॉस्पिटल उसके बिल्कुल सामने, तो वहाँ पर ये मैं बैठ के कभी कभी लोगों को एक अच्छी टॉक दे देता हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी तजर्बा है। टेलीविजन PTV पर मैंने सैकड़ों लेक्चर दिए, किसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने इतने लेक्चर नहीं दिए। मेरे TV क्लिनिक हेल्थ टिप्स हेल्थ फोरम प्रोग्राम टॉप 10 में चलता था, और मेरे करामत मुगल साहब मेरे प्रोड्यूसर होते थे, उधर से तारक अजीज साहब का साथ प्रोग्राम होता था। हम लोगों को वो जनरल नॉलेज देते थे। मैं हेल्थ का प्रोग्राम जो था हेल्थ फोरम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर टॉप लाहौर PTV सेंटर पे मेरे जनरल मैनेजर उसके रफीक गुड़ाई साहब होते थे, अल्लाह तआला उनको जन्नत में जगह, एस एम अनवर साहब, आज़म खुर्शीद साहब, और बहुत बहुत बड़े एक जिसको कहते हैं महाकलाकार किस्म के प्रोड्यूसर थे, ये हमारे करामत मुगल साहब, ये NCA से पढ़े लिखे थे, बड़े दबंग किस्म की उनकी सिलेक्शन होती थी। कलर स्कीम उन्होंने मुझे दी, हमें सिखाया कि भी आपने कपड़े किस किस्म के पहने हैं, सेट किस और बात कैसे करनी। इसी वजह से फिर टॉप 10 में मेरा ये प्रोग्राम जो हेल्थ फोरम ये माशाल्लाह शामिल हुआ। लाहौर TV से 2 प्रोग्राम टॉप 10 में थे रेटिंग में हर मंथ। PTV बहुत ग्रेट इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर तमाम चीज़ों की एक ही TV होता था। लोग शाम को इंतजार करते थे जी आज डॉक्टर नसुल्ला राणा साहब जी TV पर प्रोग्राम आना जैसी वेखना, तो या तारक अजीज साहब का प्रोग्राम नीलामगर होता सी, फिर नीलामगर का नाम चेंज करके तारक अजीज शो कर देता। देखिए मेरा हेल्थ फोरम वही चला, फिर मैं इस्लामाबाद जाके भी प्रोग्राम करता रहा। हेल्थ फोरम प्रोग्राम मैंने इस्लामाबाद जाके भी, ये मेरे लिए एजाज की बात। टॉन्सल का मसला, गले की या थ्रोट की, टॉन्सल एक पार्ट है, गला पूरा, गले में फेरिंग्स भी है, फेरिंजाइटिस भी है। आज भी मैंने कुछ 6-7 मरीज देखे हैं, 2 टॉन्सल के थे, कोई खुशाब से आया था, कोई शक्कर से था, एक मरीज गिलगत से था, कोई डॉक्टर साहब गला नहीं ठीक हो रहा, कितने 6 महीने 7 महीने तो। दूसरा मरीज जो था मेरे पास खरगोदा से था, और क्योंकि खरगोदा में किन्नो शिन्नो बहुत होते हैं, लोग खाते हैं खट्टे, तो ये उनसे मसला मसाइल पैदा हो जाते हैं। तरशाबा फल जो है नहीं, उनके साथ गले में इरीटेशन हो जाती है। और कोई बात नहीं, पर क्या वो जिनको होनी होती है वो अच्छे तरीके से अपना इलाज करा लें। लेकिन एक बात जरूर है कि ये गला जो है इट्स ए गेटवे टू द बॉडी, स्पेशली बच्चों में टॉन्सिल की बीमारी बहुत खतरनाक है। स्कूल गोइंग बच्चे जब 4 से 14 साल की उम्र में, मेरा ये तजर्बा है, मेयो हॉस्पिटल जो हमारा पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ पर रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एसोसिएट प्रोफेसर, उन्होंने मेरा 51 होता था उम्र में, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में लेक्चर नंबर 3 में मैं लेक्चर देता था। 4th ईयर के स्टूडेंट जो थे MBBS के, उनको मैं पढ़ाता था। एक बड़ा अच्छा वक्त था जिसमें हमने लोगों को इस ENT के मतलब इंट्रोडक्शन दिया कि ये भी कोई शोभा है। नाक कान गला पंजाबी कहते हैं गले, ये बंदे दिया बूहे थे बारियां ने, इतनी गड़बड़ हो गई अगर गले से, मैं गलत कराँगा टॉन्सिल की मसल या गले से, गले से अगर गड़बड़ हो गई, टॉन्सिल इन्फेक्शन होया होगा, तो गंदी चीज़ा जो खाएंगे वो रूट होके इंसान के जिसम में तरह तरह के मसाइल पैदा करते हैं। गले की वजह से बच्चे के कान खराब हो जाते हैं, छोटे बच्चों में कान के डिस्चार्ज का मैंने मेयो हॉस्पिटल आउटडोर में मैंने देखा है कि हर 3रा 4था बच्चा है जरा कान डुलता है या बहता है, वो दिन गला चेक करी तो एडे मोटे टॉन्सिल। अब मसला ये था, मां नूं मैं कहना जी बच्चा थोड़ा है जी ये तो मैं हूँ देखो कहीं जी का कान भुगता, मैं कहता कान गले का ऑपरेशन तो मेरे गल पै जाते हैं कि डॉक्टर साहब तुम कान का ऑपरेशन करते हो तो गले का, मैं कहा छोटे बच्चों में कान का ऑपरेशन नहीं होता। अब 4 साल का 6 साल के बच्चे में क्या करना, टॉन्सिल जो था उसको देखा जाए तो वो कल्प्रट जैसे जैसे ये LPG की एजेंसी होती है या कोई खाद की एजेंसी है, इस तरह ये जरासीमों की 2 एजेंसियाँ हैं, एक इधर और एक इधर। टॉन्सिल में जगह जगह पे पॉकेट्स बने होते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स, उनमें पस पड़ी होती है, वो जाके फिर कानों को अफेक्ट करती है, वो बच्चे के लारे फिर जोड़ों को अफेक्ट करती है, दिल को अफेक्ट करती है, किडनीज को, यानी कई बीमारियाँ टॉन्सिल की वजह से होती हैं। सिंपल टॉन्सिलेक्टमी का ऑपरेशन मेरा सबसे फेवरेट ऑपरेशन होता था, जब ये ऑपरेशन लिस्ट होती थी सुबह जाना जाते साथ टका टक 4-5 टॉन्सिल के ऑपरेशन बच्चों के मैं करता था।
मेरा ऑपरेटिव टाइम सबसे अच्छा था, 5 मिनट में मैक्सिमम आई यूज टू डू द ऑपरेशन, और बाद का स्टिचलेस सर्जरी। तो इतने ऑपरेशन किए, इतना लोगों का भला किया, 10,000 से ज्यादा मैंने ट्रांसफर के ऑपरेशन, दिस इज माय रिकॉर्ड। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये कहना कहने वाली बात ही, मेरा 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 81 में मैं रजिस्ट्रार था न्यू हॉस्पिटल, और सारी जिम्मेदारी मेरे पर थी। प्रोफेसर के बाद नेक्स्ट आई यूज टू बी द पर्सन, फिर जब मैं सीनियर रजिस्ट्रार बना तो अगेन आई वाज द नंबर टू मैन, फिर जब मैं एपी बना तो तभी मैं नंबर टू पोजिशन में मैंने काम किया, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, यानी मेन और डिस्ट्रिक्ट पे ईएनटी स्पेशलिस्ट होते ही नहीं थे, पोस्टें नहीं होती थी। तमाम मरीज, कोई सपोदा से आ रहा है, कोई खारिया से आ रहा है, कोई खानेवाल से आ रहा है, कोई मरीज नवाबशाह से आ रहा है, कोई कोयटा से मरीज आ रहा है, और मतलब ये म्यो कहते सी म्यो सब का प्यो, म्यो अस्पताल जो था नहीं, ये एक बड़े सही लेवल का इंस्टीट्यूशन है। यहाँ सबसे पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों ने आके बनाया, द ब्रिटिश पीपल दे मेड फर्स्ट किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज 1860 में, 1870 में ये बनता है अपना म्यो हॉस्पिटल। तो एक जगह बन गई, एक अच्छा जगह बना दी उन्होंने हमें, मैं डॉक्टर बना हूँ, मुझे खुशी है। मैं जब लंदन में गया हूँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, मुझे जेसिका स्टीवर्ट जो वहाँ की मेंबर पार्लियामेंट थी, उसने मुझे हाउस ऑफ कॉमन की चाय पे बुलाया कि डॉक्टर साहब आप आए, आप कुछ हमारे को, उन्हीं दिनों में मैं इंडिया में दिल्ली में 5वीं साल की एंटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तार करके आया था, ये भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैं फिर साइंटिफिक सेशन को चेयर किया। उन्होंने कहा आप बताएं, आप दिल्ली से भी होके आए तो लाहौर में तो आप काम करते हैं, तो हमने तो लाहौर पहले फतह किया था सिखों से, ये फैक्ट है। 1849 में 1849 में दे कैप्चर दिस, यहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया। ऐसे दिल्ली में मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी तमाम लाहौर से जूनियर है, बाद में बनी है वहां पर, वहां की यूनिवर्सिटी भी बाद में बनी है। पंजाब यूनिवर्सिटी इज द ओल्डेस्ट, इसी तरह किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज इज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट वन इन द होल रीजन। एक कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज होता था, एक लाहौर में होता था, दैट्स ऑल। दरमियान में कहीं भी कोई मेडिकल कॉलेज का कोई तस्वर ही नहीं था, कराची में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था 1860 में, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमने वहां पढ़ा भी है, फिर मुझे मौका मिला, मैं वहां पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होकर मैंने वहां पर पढ़ाया भी है, सर्जरी भी की है, बच्चों को सर्जरी सिखाई भी है। तो उसमें बात तो थी कि हमने टॉन्सिल का जो मर्ज है इसके ऊपर काबू पाना है। बच्चों में अगर आप ऑपरेशन कर लेते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत 18-20 साल का 25 साल का बंदा आ जाता कर तो देगा, लेकिन बुढ़ा दर्द पुटने वाली गल है, वो एडिया एडिया जड़ा होंगे थले तक होंगे ने, वो ब्लीडिंग अलहदा होंगी, ऑपरेशन जो 5 मिनट हो जाना उसके बाद कोई घंटा लग जाता, तो बाद भी मरीज ठीक नहीं होता, फिर वो कहता दसो जी मैं ऑपरेशन करा मेरा फिर गला खराब हो रहा है। तो बेहतर है कि वक्त दे नाल जड़ी चीज़ की जाए, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। छोटे बच्चों में ट्रांसफर ऑपरेशन बहुत आसान है, मरीज के लिए भी आसान है, सर्जन के लिए भी आसान है, और रिजल्ट बहुत अच्छे। वरना वो कहते थे निकल चुका है सांप, अब लकीर पिटा कर, को ट्रांसफर की वजह ना कान भी दा पर्दा भी पाट गया, कान चो रेशा आना शुरू हो गया, हूँ तुम कर भी देता रुक गया, लेकिन कान का पर्दा तो सुराख हो गया, फिर वो नाल आ गया बच्चे के जोड़ा का प्रॉब्लम हो गया, फिर ट्रांसफर की वजह करे किडनी भी इफेक्ट हो गया। तो इस तू मतलब है कि छत झूठी है, इस तू पहले को सारा कमरे का सत्यानाश कर दे, थोड़ा बैड खराब हो जाए, कारपेट खराब हो जाए, किताबा जड़ियाँ उन्होंने पहले ठीक कर दी। लेकिन मैंने जो देखा है, मैं आपको खुल के बात करूँगा पंजाब के सारे लोगों की शऊर नहीं। मैंने 7 मुल्कों को मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था श्रीलंका में, आप श्रीलंका में मेरा देख सकते आप ईएनटी सर्जन एसोसिएशन, वहाँ पर मैंने कोलंबो में, ये मेरे पास प्रोफेसर मेरे साथ जो जॉन जे ग्राइट वर्ल्ड प्रेसिडेंट वो भी खड़े हैं, प्रोफेसर जडीसी भी खड़े हैं श्रीलंका में, उन्होंने भी कहा कि हमें लोगों को शऊर देने की जरूरत है, प्रायोरिटी होगी तो सेहत बेहतर होगी। अब किसी को आम मैं गल करूंगा कि गड्डी आवाज आ रही है या गड्डी का रेडिएटर लीक करता भजे जाते हो चीजें जो ठीक करा लिए या इंजन ना हीट हो जाए, लेकिन अपने कोई परवाह नहीं, वो बच्चों वास्ते रोज सवेरे नाश्ता कराया स्कूल भेजता, भी उनको अगर बीमारी है अच्छे डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाके चेक कराए उनकी सेहत, वो आपका फ्यूचर है। बच्चे जो है नहीं उनके लिए मैं जरूर कहूँगा ट्रांसफर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। एक मेरा ये है कि वह जनरल प्रैक्टिशनर हजरात जिनकी मैं दिल में मेरी बड़ी इज्जत है, सबसे पहले बच्चों को या मरीजों को उन्होंने देखना है, अगर वो देखें कि उनके पास कान बहता हुआ बच्चा आता है तो उसका ट्रांसफर जरूर चेक करेंगे, ट्रांसफर तो इन्फ्लेम तो नहीं, अगर है तो उसको भेज के उसका ट्रांसफरेक्टमी के लिए उसको बोले कि जाए जाके अस्पताल से चेक कराए, अगर वो मुनासिब समझे तो ट्रांसफर का ऑपरेशन कर दें।
सारी जिंदगी वो एंटीबायोटिक खटियां ते पीड़ियां ते सब्ज रख दिया पीने नाल बेहतर नहीं कि 5 मिनट का ऑपरेशन है तो बाद बच्चे की जान छुट गई वो बाद में बच्चे की सेहत नशोनुमा और कद जैसे गड्डी की हैंड ब्रेक खुल जाती है वो चल पाती है तो बच्चे में लगी होती है हैंड ब्रेक टॉन्सिल जो नहीं सूजे होते हैं सूजे फुले हुए इन्फेक्शन ये समझो हैंड ब्रेक लगी होती है वो बच्चा ना खान जोगा ना हल्ले चेहरा भी पीला रंगता रोज दरखास्त लिखे कि बच्चा बीमार है जिसे स्कूल नहीं भेज सकते उसकी तालीम भी गई उसकी सेहत भी गई तो माँ वालदैन में चाहिए कि बच्चों की सेहत वास्ते भी तवज्जो कर तालीम भी बड़ी जरूरी है लेकिन गोरे ने हेल्थ नो वेल्थ किया ये तो समाई है मेरा TTV पे भी प्रोग्राम हेल्थ फोरम होता है मैं कहता हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज ए क्राउन विच इज ओनली विजिबल टू द सिक आम आदमी की कदर नहीं हैगी जाओ विजिट करो हॉस्पिटल में किसी की अख से पट्टी लगी हुई किसी नक् ट्यूब लगी होती है किसी को सह नहीं आ रहा किसी की लत्त नूं रस्सी बन्नी होती है फिर अल्लाह तआला का शुक्र बंदा करता कि या अल्लाह मैं ईमान ताजा होता इसे तरह हेल्थ नो नंबर वन तवज्जो दूसरे नंबर तक फिर बच्चे की तालीम है लेकिन साढ़े अदर वे अराउंड है साढ़े तालीम वास्ते भजे फिरते हैं लखा रुपया खर्च कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं गड्डी तो एक तो ट्यूशन सेंटर लगाए दूजे पास सेहत वास्ते उन्होंने कोई टाइम नहीं कि किसी कम के डॉक्टर जाके किसी ने दिखा लीए कि बच्चे के अगर ट्रांसफर खराब ने तो उन्होंने पढ़वा लीए अगर जरूरत हो थैंक यू वेरी मच।